फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे सामने खड़ी है इथर 450S और X से थोड़ी अलग है, X से थोड़ी सी चीपर है। और अगर आप एथर का कोई प्रोडक्ट प्लान कर रहे थे और आप कंफ्यूज थे कि 450X लेनी चाहिए या फिर 450S लेनी चाहिए, इनमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। अब इनमें क्या है कि बैटरी का भी फ़र्क रहता है, कुछ फीचर्स का भी फ़र्क रहता है और साथ ही साथ प्राइसिंग का भी कुछ फ़र्क रहता है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और इसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो आपके साथ जो है शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि ये ऑफ़र क्या क्या कर देता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट और इन टर्म्स ऑफ पावर। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे इस सिंगल वीडियो में, तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखना और स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो डिज़ाइन लैंग्वेज में कोई भी फ़र्क नहीं आपको फील होने वाला है, चाहे आप 450S लें चाहे आप 450X लें, दोनों में डिज़ाइन लैंग्वेज आपको सेम मिलती है। फ़र्क बस इतना ही मिलेगा, कुछ फीचर्स आपको जो है कम मिलेंगे, बैटरी रेंज आपको थोड़ी सी कम मिलेगी और जो सारी चीज़ें हैं ओवरऑल आपको जो है सेम ही मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कलर की बात करते हैं, फुल्ली ब्लैक कलर में आपको कलर मिल जाता है। हेडलाइट यूनिट की बात करते हैं तो फुल्ली LED बेस्ड आपको जो है हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। नंबर प्लेट का सेटअप आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको DRLs मिल जाते हैं और LED बेस्ड आपको जो है यहाँ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और जैसे ही आप इंडिकेटर्स ऑन करेंगे एक बड़ी स्वीट सी आवाज़ भी ये करता है। फुल्ली LED बेस्ड आपको जो है सारी चीज़ें इधर मिलेगी, चाहे आप हेडलैम्प्स की बात करते हैं, ब्रेक लैम्प्स की बात करते हैं, चाहे आप इंडिकेटर्स की क्यों ना बात करते हैं। फ्रंट व्हील की बात करते हैं तो फ्रंट आपको जो है फुल्ली डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिलेगा और MRF का टायर इधर आपको जो है ऑफ़र किया गया है। सेक्शन की अगर हम बात करते हैं 90 12 इंचेस का एक एलॉय व्हील मिल जाता है जो मैट ब्लैक फिनिश में है, बेहतरीन साइज़ है एलॉय का और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ओपन आपको सस्पेंशन यहाँ नज़र आ रहे होंगे, सस्पेंशन ट्रैवल भी अच्छा है, तो आपको एक जो कंफर्ट होता है वो इसके अंदर आपको ज़रूर फील होगा। फाइबर का मडगार्ड आपको आगे मिल जाएगा और इसको प्रॉपर एक फ़ाइबर बॉडी के साथ जो है इसको तैयार किया गया है ताकि स्कूटी के ऊपर एक फालतू का वजन ना रहे। अब इधर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ के साइड आपको जो है फुल्ली LED बेस्ड ब्रेक लैंप मिल जाते हैं, नीचे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे LED बेस्ड और नंबर प्लेट का सेटअप आपको जो है यहाँ मिल जाता है। इस पर भी जो है LED बेस्ड आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर आप देखते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क मिल जाएगा, MRF का टायर आपको यहाँ ऑफर मिलेगा। और वहीं अगर आप देखते हैं तो नीचे के साइड 90 12 इंचेस का आपको जो है पूरा ही अलॉय मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। अगर आप एथर के शोरूम पे विज़िट करते हैं तो यहाँ आपको एथर का पूरा ही स्कल भी मिल जाता है। आप इसकी बिल्ड को भी जो है देख सकते हैं किस टाइप से जो है ये बिल्ड जो है बनी हुई है। वहीं अगर आप बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जो शोरूम्स में ये अगर आप देखेंगे ना, ये जो डिस्प्ले है डीप व्यू आप इसे बोल सकते हैं, डीप व्यू जो है एथर इसे बोलता है, इसके अंदर आपको टच बेसिस कंट्रोल नहीं मिलते हैं। यहाँ आपको एक जॉयस्टिक मिलता है जिससे आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये पूरा ही ब्लैंक है क्योंकि इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर नहीं रहता है। शोरूम्स पर जब गाड़ी डिलीवर होती है तभी इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, फ्रेश सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिससे गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए। वहीं अगर आप बात करते हैं यहाँ आपको किल स्विच मिल जाता है, यहाँ से आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं बिटवीन स्पोर्ट मोड इको मोड, यहाँ आपको जो है यहाँ से ऑन आप कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे हाई और लो बीम के लिए आपको जो है लाइटें मिल जाती हैं, हाई बीम भी हो रहा है, जॉयस्टिक मिल जाएगा, इंडिकेटर का आपको यहाँ प्लेसमेंट मिल जाता है, नीचे आपको हॉर्न मिल जाएगा। अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का मिरर साइड में आपको मिल जाएगा और क्वालिटी हर एक चीज़ के मामले में काफ़ी अच्छी है, चाहे आप प्लास्टिक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, चाहे आप पूरी ही जो है गाड़ी की प्रॉपर क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं एक हुक मिल जाता है, यहाँ के साइड आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, कुछ इस तरीके से जो है ये ओपन हो जाता है, इसकी भी क्वालिटी डिसेंट है और यहाँ आपको जो है पूरा ही स्पेस मिल जाएगा।
अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये पूरा ही एक विंड कर्टन की तरह काम करता है। यहाँ से जो है प्रेशर आता है विंड का, जिससे स्टेबिलिटी जो है इसकी काफ़ी अमेजिंग रहती है। और अगर आप ये देखते हैं तो ये फ्लोर है और बिल्कुल ही प्लेन मिलता है। अगर आप इस पर कुछ रख के जाना चाहते हैं तो आप जो है ईजिली रख सकते हैं, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ आपको एक्सलेटर, ब्रेक और रेयर के लिए ब्रेक मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको ड्यूअल डिस्क मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अमेजिंग मिलने वाली है। क्योंकि इसकी जो पावर फिगर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं, मतलब नॉर्मल स्कूटर से क्या है, एक तो इसके अंदर इंजन नहीं है, दूसरा इसके ऊपर भार नहीं है, हल्की है, लाइट वेट है, जिसकी वजह से आप इसको ईजिली मैनूवर कर सकते हैं सिटीज़ में। और जो इसकी रेंज निकल के आती है, सबसे कम होने के बाद भी अच्छी खासी रेंज इसके अंदर निकल के आती है। तो डायरेक्टली एक बार चलते हैं इसके पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ पावर ये निकाल के देता है। मोटर प्लेस किया हुआ है वो आपको यहाँ मिलेगा, और क्लियरली इसके स्कल में सारी चीज़ें दिखाई रखी है, और जो बैटरी है वो इसकी यहाँ प्लेस की हुई है। अब जो ये वेरियंट आपको मिलेगा 450S है, सबसे बेस वेरियंट आप इसे कह सकते हैं। अब जो बेस वेरिएंट की बैटरी कैपेसिटी इसके अंदर आपको मिलेगी, 2.9 किलोवाट की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है, और जो इसकी टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आर की आपको मिलती है। और इसकी जो एक्सेलरेशन पावर आपको जो मिलेगी 0 to 40, ये 3.9 सेकंड में पहुंच जाती है। वहीं अगर आप इसकी रेंज की बात करते हैं, जो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 115 किलोमीटर की जो है रेंज कंपनी क्लेम करती है इन सिंगल चार्ज। वहीं अगर आप बात करते हैं तो जो 0 to 80% की जो है चार्जिंग आपको मिलेगी, मतलब 0 से अगर आप जो है इसको 80% तक चार्ज करते हैं तो अराउंड 6 to 6.5 घंटे में जो है ये फुल चार्ज हो जाती है। अमेजिंग है। कलर ऑप्शंस भी आपको इसके अंदर लिमिटेड ही मिलते हैं, 4 कलर ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं, उनमें से एक ये ब्लैक कलर आपके सामने खड़ा है, और ज़्यादातर जितने भी लोग होंगे वो ब्लैक कलर के लिए जाने के लिए पसंद करेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी वारंटी की, तो इसके अंदर 5 ईयर्स की बैटरी वारंटी भी जो है एथर क्लेम करता है। मोटर के बारे में ये सारी चीज़ें रह गई, और पावर फिगर्स आपने देख ही लिए, 0 to 40 3.9 सेकंड में जो है ये कवर कर रही है। अब एक बार इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है यूजुअली जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं तो उनमें ये मिथ रहता है कि भाई इनके ना मतलब बूट स्पेस में उतनी जगह रहती नहीं होगी। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं तो आपको जो है पहले तो यहाँ से जो है कुछ इस तरीके से जो है आप अनलॉक कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप की इंसर्ट करते हैं ऐसे, और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऊपर से ही करना है, दबाना वगैरह कुछ नहीं है, जिससे लॉक हो जाएगी दबाते ही, और आप बिना दबाए जो है ऐसे ही घुमा देंगे तो ये अनलॉक हो जाता है। बाकी अगर आप बूट स्पेस की बात करते हैं तो डिसेंट बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको जो है 450S LR मतलब लो रेंज इसमें लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ अगर आप देखते हैं कुछ इस तरीके की सीट का जो है पूरा ही बैक व्यू मिलता है, एक LED स्ट्रिप मिलती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है, अमेजिंग लग रही है। और यहाँ आपको एक अच्छा डीप स्पेस मिल जाता है, जिसपे आप जो है एक अमेजिंग तरीके से जो है अपने हेलमेट रख सकते हैं सेफली, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर जगह बच जाएगी। जो आपको स्कूटर के साथ मिलने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सेफ्टी किट मिल जाती है, फर्स्ट एड किट, और एक बैग मिल जाता है, और इसके अंदर रखने के लिए ये चार्जर आपको मिल जाएगा, ये मेन सॉकेट हो जाता है, और यहाँ भी आपको एक अडेप्टर मिल जाएगा जिसके अंदर एक LED भी है, जिससे आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चार्जर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और एक इसका जो है नोज़ल मिल जाता है, जो आप डायरेक्टली इंगेज कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं अपने ही स्कूटर के अंदर। और यहाँ आपको जो है मेन अडेप्टर मिल जाता है जो आपके स्कूटर को चार्ज करेगा। इसके अंदर एक कूलिंग फ़ैन भी लगा हुआ है, क्योंकि जो हैवी पावर होते हैं उनमें ये जो है इस टाइप का सेटअप ज़रूर आता है। बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग लिस्ट मेरे साथ में है, और सारे ही वेरिएंट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एथर 450S लो रेंज आपको मिल जाएगा, फिर उसके साथ एक प्रो पैक भी आता है, जिसके अंदर आपको कुछ जो इसके फीचर्स हैं वो आपको एड ऑन मिलते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आपको कुछ फीचर्स के अंदर आपको जो है अनलॉक हो जाते हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं दूसरे वेरिएंट के बारे में, तो उसके अंदर आपको एक और वेरिएंट मिलता है, एथर 450X लो रेंज। हमने अभी बात की एस की, अब एक आता है एक्स, जिसमें लो रेंज होती है, उसमें भी एक प्रो पैक वाला ही वर्ज़न आता है, जिसमें आपको कुछ फीचर्स अनलॉक मिलते हैं। और एक आता है एथर 450X HR, यानी कि हाई रेंज, जिसमें आपको जो है रेंज आपको काफ़ी अमेजिंग मिलती है, और उसके साथ भी आपको एक प्रो पैक मिलता है, उसमें भी आपको जो है एक एक्स्ट्रा लेवल के जो है फीचर मिल जाते हैं।
तो बिल्कुल ही बेस वेरिएंट आपके सामने खड़ा है। और टॉप एंड वेरिएंट की बात करते हैं तो बिल्कुल ही जो टॉप एंड वेरिएंट है एथर 450XHR है। और प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं, जो एक्स शोरूम प्राइसिंग इसकी रहने वाली है, शोरूम प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1,32,048 रुपीज़ की आपको जो है एक्स शोरूम प्राइसिंग इसकी मिल जाती है। और इसके ऊपर आपको जो है इंश्योरेंस मिल जाता है एक साल का, बेसिकली जो जीरो डेप्थ होता है, वैसे तो 5 साल का होता है लेकिन पहला एक साल जो है फुल्ली जीरो डेप्थ रहता है और जो बाकी साल बचते हैं वो थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे। जो इसकी प्राइसिंग वो आपको मिलेगी 8,500 रुपये के आसपास की मिलेगी। और अगर आप बात करते हैं जो नेट प्राइसिंग इसकी ऑन रोड मिलती है 1,41,278 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। अब इसके ऊपर एक सब्सिडी वाले भी चीज़ें मिलती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है सब्सिडी आपको जो है ऑफर करती है। तो अभी जो सब्सिडी फिलहाल के लिए चल रही है 14,500 यानी कि 14,500 रुपये के आसपास की जो है इसके अंदर सब्सिडी चल रही है, जिससे फ़ायदा ये होगा जो सब्सिडी है वो आपके नेट अमाउंट से जो है लेस हो जाएगी, यानी कि ऑन रोड प्राइस के साथ जो है लेस हो जाएगी। फिर उसके बाद जो स्कूटर आपको पड़ेगा 1,26,778 रुपीज़ का ऑन रोड आपको डेली कॉस्ट कर देगा। तो प्राइजिंग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बाकी मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। Thanks for watching this video.